वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ITLS Academy। आप सभी लोगों का ITLS Academy में स्वागत। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसेप्सिस के बारे में कि एसेप्सिस क्या होता है और हम एसेप्सिस कैसे परफॉर्म करते हैं। ओवरव्यू ऑफ एसेप्सिस, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हम इस वीडियो लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट, सेकेंड व्हाट इज एसेप्सिस, नेक्स्ट पर्पस ऑफ एसेप्सिस, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ एसेप्सिस, नेक्स्ट मेडिकल एसेप्सिस, नेक्स्ट सर्जिकल एसेप्सिस, देन स्टरलाइजेशन। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। इंट्रोडक्शन ऑफ एसेप्सिस। एसेप्सिस इज अ कंडीशन इन विच नो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। Asepsis overall those procedures designed to reduce the risk of bacterial, fungal or viral contamination using sterile instrument, sterile draping and the gloved no touching techniques। Asepsis क्या? एक asepsis एक ऐसी कंडीशन है यहाँ पे कोई भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता है। जो एसेप्सिस है उसमें हम ऐसा प्रोसीजर या ऐसी कंडीशन डिजाइन करते हैं जहां पर जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, उनका जो कंटामिनेशन है उनकी रिस्क बिल्कुल कम हो जाती है। और इस कंडीशन को स्टेबलाइज करने के लिए हम बहुत सारे स्टेबलाइज इंस्ट्रूमेंट और स्टेबलाइज ड्रिपिंग और नो टच टेक्निक्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज एसेप्सिस। एसेप्सिस क्या है? प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शन ऑफ वाउंड इज नोन एज एंटीसेप्टिक, व्हाइल मेंटेनिंग देम इन एन एंटीसेप्टिक स्टेट इज नोन एज एसेप्सिस। एसेप्सिस क्या है? एंटीसेप्टिक कंडीशन को प्रोवाइड करने के लिए या फिर मेंटेन करने के लिए जो प्रोसीजर को हम डिजाइन करते हैं वो हमारा कहलाता है एसेप्सिस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज एसेप्सिस। एसेप्सिस क्या है? प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शन ऑफ वाउंड इज नोन एज एंटीसेप्टिक, व्हाइल मेंटेनिंग देम इन एन एंटीसेप्टिक स्टेट इज नोन एज एसेप्सिस। एसेप्सिस क्या है? जब कहीं पे कोई इन्फेक्शन को हमें रोकना है तो वहां पे हम एंटीसेप्टिक मटेरियल्स, एंटीसेप्टिक कंडीशन, किसी भी जो घाव है, वाउंड है, उस पे इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो कंडीशन होती है वो हमारी कहलाती है एंटीसेप्सिस। जबकि उस एंटीसेप्सिस को मेंटेन रखने के लिए या उस प्रोसीजर को डिजाइन करने के लिए जो कंडीशन होती है वो हमारी कहलाती है एसेप्सिस। द टर्म एसेप्सिस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ प्रोसीजर बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रिवेंट फ्रॉम एंटरिंग ऑब्जेक्ट्स एंड वाउंड्स। एसेप्सिस में हम एक ऐसा प्रोसीजर डिजाइन करते हैं जिसमें कोई भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना किसी ऑब्जेक्ट और ना किसी बाउंड पे एंटर कर पाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पर्पस ऑफ एसेप्सिस की, जो एसेप्सिस है हम वो क्यों करते हैं। पहला है हमारा टू एलिमिनेट द जर्म्स एंटायरली, कि एक जगह से जो माइक्रो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको पूरी तरह से रिमूव करना। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड यूज्ड फॉर ऑल क्लिनिकल केयर एक्टिविटीज। इसमें क्या करते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नंबर को कंट्रोल करते हैं जिससे कि हम पेशेंट्स को प्रॉपर केयर और प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सके। नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन बाय हार्मफुल जर्म्स। नेक्स्ट हमारा पर्पस क्या होता है कि जो डिजीज कॉजिंग, जो हमारे लिए, जो ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं उनको हम फैलने से रोक सके। ये हमारे कुछ पर्पस हैं जिनके लिए हम एसेप्सिस कंडीशन का यूज करते हैं। परफॉर्म करते हैं या फिर एसेप्सिस कंडीशन को डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ एसेप्सिस की एसेप्सिस कितने टाइप की होती है। पहला है हमारा का मेडिकल एसेप्सिस, नेक्स्ट है हमारा सर्जिकल एसेप्सिस। मेडिकल एसेप्सिस में हम क्लीनिंग की टेक्निक्स यूज करते हैं, जबकि हम सर्जिकल एसेप्सिस में स्टरलाइजेशन की टेक्निक्स यूज करते हैं। फर्स्ट है हमारा मेडिकल एसेप्सिस। मेडिकल एसेप्सिस क्या है? ऑल द प्रैक्टिस दैट रिड्यूस द डम्बर ग्रोथ ट्रांसफर एंड सेपरेट all the practice that reduce the damper growth, transfer and spread of pathogenic microorganism. They include hand washing, bathing, cleaning environment, globing, growing, wash mass, hair, shoes cover, disinfecting articles and use the antiseptics. Next हम discuss करते हैं medical asepsis. मेडिकल एसेप्सिस क्या है? ऑल द प्रैक्टिस दैट रिड्यूस द डैम्बर ग्रोथ ट्रांसफर एंड सेपरेट ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे इंक्लूड हैंड वॉशिंग, वॉथिंग, क्लीनिंग इन्वायरमेंट, ग्लोबिंग, ग्रोइंग, वेयरिंग मास्क, हेयर, शूज कवर, डिसइंफेक्टिंग आर्टिकल्स एंड यूज ऑफ एंटीसेप्टिक्स। इसमें क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को ट्रांसफर होने से रोकते हैं, मतलब फैलने से रोकते हैं पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हम प्रॉपर हैंड वॉश करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं? प्रॉपर हैंड वॉश करते हैं, प्रॉपर सैनिटाइजर यूज करते हैं, अपने आसपास के एनवायरमेंट को एकदम क्लीन करते हैं, हम ग्लव्स पहनते हैं, मास्क लगाते हैं, अपने हेयर्स को कवर करते हैं और इसके अलावा हम शूज को भी कवर करते हैं। कुछ एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टिंग आर्टिकल्स का भी यूज करते हैं। ये कुछ तरीके होते हैं जिनको हम फॉलो करेंगे, ये कुछ तरीके होते हैं जो हमारे मेडिकल एसेप्सिस के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं इसको मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा सर्जिकल एसेप्सिस। सर्जिकल एसेप्सिस क्या है? प्रैक्टिस दैट कीप एन एरिया और ऑब्जेक्ट फ्री फ्रॉम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉन पैथोजेनिक और इंक्लूड प्रैक्टिस दैट कीप एन एरिया और ऑब्जेक्टिव फ्री फ्रॉम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉन पैथोजेनिक एंड पैथोजेनिक इंक्लूडिंग स्पोर्स एंड वायरस। सर्जिकल एसेप्सिस में क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? एक ऐसा प्रोसीजर डिजाइन करते हैं जिसकी हेल्प से हम जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हुए हमारे मतलब पैथोजेनिक और जो नॉन डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हुए मतलब नॉन पैथोजेनिक, पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक दोनों ही टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम एकदम किल कर देते हैं। सर्जिकल एंटीसेप्सिस में हम क्या करते हैं? पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किसी भी सरफेस या ऑब्जेक्टिव से। सर्जिकल एसेप्सिस में हम क्या करते हैं? पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक दोनों ही टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किसी ऑब्जेक्ट या किसी एरिया से एकदम रिमूव कर देते हैं और एकदम किल कर देते हैं। ये परफॉर्म किया जाता है हमारा सर्जिकल एसेप्सिस के अंदर। मेडिकल एसेप्सिस और सर्जिकल एसेप्सिस में क्या डिफरेंस होता है? जो सर्जिकल एसेप्सिस होता है इसमें हम पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक दोनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं, जबकि जो हमारा मेडिकल एसेप्सिस होता है इसमें सिर्फ हम डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही किल कर। नेक्स्ट, स्टरलाइजेशन इज अ एसेप्सिस टेक्निक टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सर्जिकल एसेप्सिस में एक स्टरलाइजेशन की प्रोसेस होती है जिसकी हेल्प से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं या फिर उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टरलाइजेशन। एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम स्टरलाइज्ड कंडीशन मेंटेन करते हैं या स्टरलाइज कंडीशन को अडॉप्ट करते हैं। स्टरलाइज कंडीशन क्या होती है? स्टरलाइज एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं हो। स्टरलाइजेशन इज अ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड देयर स्पोर्स on objective line and instrument setting medical and surgical rubs, gloves and hands. स्टरलाइजेशन क्या है? स्टरलाइजेशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है उनका कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होता है, चाहे उनका स्पोर्स हो, चाहे उनके एंडोस्पोर्स हो, चाहे वायरस हो, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो उसको कम्प्लीटली ही तरीके से किल कर दिया जाता है। स्टरलाइजेशन की कंडीशन को अडॉप्ट करने के लिए भी कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे हमारा हुआ ऑटोक्लेविंग, ड्राई हीट, कैल्सिनेशन, बॉइलिंग, वर्निंग, रेडिएशन। ये कुछ तरीके होते हैं जिनकी हेल्प से हम स्टरलाइजेशन कंडीशन को अडॉप्ट करते हैं, जिसकी हेल्प से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट रिमूवल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन कि हम मेडिकल फील्ड में कहाँ कहाँ पे स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। पहला हमारा हुआ स्टेरिलाइजेशन ऑफ ड्रेसिंग मटेरियल कि जो ड्रेसिंग मटेरियल जो हम ड्रेसिंग करने के लिए जो मटेरियल्स का हम यूज करते हैं उन सबको स्टेरिलाइज करने के लिए। स्टेरिलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन सबको स्टेरिलाइज जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन सबको स्टेरिलाइज करने के लिए हम स्टेरिलाइजेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्टेरिलाइजेशन ऑफ हैंड एंड डिसइंफेक्शन ऑफ द ग्लव्स। इसमें जो हम हैंड्स और जो ग्लव्स का यूज करते हैं उन सबको भी स्टेरिलाइज करने के लिए भी हम स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट asepsis। Please follow ITLS Academy on Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, LinkedIn, and also get it on Google Play Store. Thank you so much for watching my video. Please like, share, and subscribe ITLS Academy. Thank you.